शनिवारी सिटिझन्स काउन्सिलच्या सदस्यांनी आमदार अरुण शहापूर यांची ठळकवाडी हायस्कूल येथे भेट घेतली, तेव्हा काउन्सिलचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांनी तरुण भारतने तयार केलेले 10वी अभ्यासमाला व्हिडिओ विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी आमदार अरुण शहापूर यांनी तरुण भारतने व्हिडिओच्या माध्यमातून राबविलेल्या 10वी अभ्यासमालेच्या व्हिडिओमुळे कर्नाटकातील मराठी माध्यमांच्या मुलांना घरबसल्या मार्गदर्शन मिळाले, याचे कौतुक थेट राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनीही केले. त्यामुळे तरुण भारतचा हा बेळगाव पॅटर्न राज्यभरात हिट ठरल्याचे गौरवोद्गार काढले. Total number of videos are 150. Those are reached to n number of students in the border district. And due to those videos, those children got benefited. And now the same thing will continue for years together up to that syllabus doesn't change. Because those videos are virtually there in the web. So now the new students, जो अभी नए जो student आ रहे हैं साइंस से टेंथ को, those people are using those videos. So again, it's a benefiting aspect for all the children. Sir, also. यहाँ पे जो बना है सर मीडिया के साथ मिलके एक शिक्षक संघ एग्जैक्टली और टीचर्स वॉलंटियर ले आते हैं, हमारी त्रिवेणी संघ यही बताए ये तीनों एक तरफ से माध्यम जो पहुँचा रहे हैं बच्चों को. Without any this thing, free of cost. Without any expectation. So without any expectation, ये मराठी बच्चों के लिए हमें करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है. ये मीडिया वाले के लिए बहुत बढ़िया बात है सभी. और पूरा कर्नाटक में अगर आप देखते हैं कर्नाटक के तो इतने बच्चे हैं सर, कोई भी मीडिया आसान नहीं है, ऐसा काम नहीं. अभी बेलगम में जो हुआ सर एक प्रयोग एक एक्सपेरिमेंट, तो मैं तरुण भारत का जिक्र स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर साहब सभी एजुकेशन ऑफिसर्स के थैंक यू वहां पे जिक्र किया. और तरुण भारत का ई वर्ष ई पेपर प्रमोशन जो है वहां पे जो जहां पे फोटो आता है वहीं आप क्लिक कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है सर. तो मैंने उसको दिखाया वहां पे, देखिए तरुण भारत का मैं ई पेपर वहाँ पे ओपन किया और फोटो पे क्लिक किया तो डायरेक्टली वो न्यूज के लिए जाते हैं, यूट्यूब न्यूज चैनल को लिंक होता है. सो मैंने सजेशन दिया बहुत सारे स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे कर सकते हम यही ई पेपर लिंक भेज देंगे, पेपर को भी अच्छा है इतना अगर आप तरुण भारत ई पेपर देखते वहां जाइए थर्ड पेज में जाइए और ये लिंक दबाइए. सो एग्जैक्टली वही है सर, इतना इसे समझने में आप कहीं भी जाना जरूर नहीं है. बच्चे को आपको बता देते हैं ई पेपर निकालना है और पेज नंबर इसको पहुंचना है, वहां पे आप फोटो पर क्लिक कर दीजिए आपका पूरा मिल जाएगा ई कंटेंट. एग्जैक्टली इतना बढ़िया काम हुआ सर, मैं बहुत खुश. और सर इट्स अ टीम वर्क जो आप बोल रहे थे, अभी ये शिक्षक संघ है जिस पीपल आर वेरी एक्टिव देन द मीडिया देन द मैन बिहाइंड जिन्होंने वो रिसोर्स और इतने कम समय में लॉकडाउन में इतना स्ट्रेस था बच्चों के ऊपर कॉन्टेक्ट ही खत्म हुआ था, तो ये दो महीने में जो मीडिया की जो फाइल्स उनको मिल गए दोस्त पीपल गेन द कॉन्फिडेंस. सर बच्चों को छोड़ दीजिए तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने का काम मीडिया वाले किए और मीडिया वाले करने में शिक्षक संघ एक माध्यम बना और टीचर्स आके ये माध्यम में बैठे. टीचर्स को त्रिवेणी संघ बता रहा था सर इसके लिए बहुत बहुत खुशी. और सेकंड सर मुझे एक्चुअली एजुकेशन मिनिस्टर साहब एक पात्र दिए थे बीजेपी के तरफ से पोस्ट कोविड रीओपनिंग, इसमें मुझे एक कमेटी बनाया. हाँ हाँ. डॉक्टर मोहन नागराज मुझे इस कमेटी में शामिल किया और एक रिपोर्ट देने के लिए बता दिया सर. वहाँ पे बहुत सारे भाषण तो देते हैं सर, मुझे अभी गर्व है तो अभी गर्व है इस बात की कि वहाँ पे भाषण दे के नहीं आया, यहाँ पे वॉलंटरली शिक्षक संघ के माध्यम से और माध्यम मित्र जो है इनको जोड़कर यहाँ पे एक प्रयोग किया है और सक्सेसफुल प्रयोग सक्सेसफुल हुआ. तो ये पूरा सर स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने सक्सेस स्टोरी वेलकम सक्सेस स्टोरी. 15 दिन वहाँ पर वो उसका 6th 7th उसका 15 दिन हमारे साथ प्रोग्राम था
और सर सेकंड, अभी हमारे टीचर्स का फीडबैक है, वो लोग बता रहे हैं सर अभी एसएलसी एग्जाम के लिए किया, एयरमैन स्टूडेंट के लिए भी चाहिए ना इसको सर आप सोचिए ई कंटेंट के बारे में हम सोच ही नहीं रहे थे। स्टेट सिलेबस में एक दिक्कत है सर, जो टेक्स्ट बुक प्रिंट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से, ये फ्री कॉपी है, ये बेचने का कॉपी है, तो ये जो हो रहा था सर ई कंटेंट डेवलपमेंट में, सीबीएसई में आईसीएसई बुक्स में सर बुक्स से पहले सीडी और पेनड्राइव दिया जाता है, यहाँ पे कमियां थी, तो वो कमियां प्रेस और जो समाज के आप जैसे लोग हैं, आपका भी है इसमें हिस्सा, सिर्फ शिक्षक संघ नहीं, शिक्षक संघ में एक पार्ट पेरेंट्स और समाज, तो इसके लिए शिक्षक संघ का ध्येय वाक्य क्या है आपको पता है सर, राष्ट्र के हित में शिक्षक, शिक्षण, शिक्षण के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज, तो समाज को शिक्षक के हित में रहना है, तो आप लोग है तो शिक्षक के हित में, शिक्षण के हित में शिक्षक काम कर रहा है, तो राष्ट्र के हित में शिक्षण, इसके हमें देखते हुए करना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं सर। मराठी मीडियम में जो काम हुआ है सर, कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम में इतना नहीं हुआ। माध्यमांनी असे उपक्रम राबवल्यास शैक्षणिक स्तर अजून उंचावू शकतो असे सांगतानाच बेंगळुरू येथील बैठकीत शिक्षण विभागाच्या सहकार्याविना शिक्षक संघ व तरुण भारतनेही अभ्यासमाला केल्याचे शिक्षण मंत्र्यांना आपण सांगितले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। मराठी माध्यमांसाठी तयार केलेल्या या व्हिडिओमुळे इतर माध्यमांनीही असे उपक्रम राबवण्याची प्रेरणा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले। यावेळी सिटिझन्स काउन्सिलच्या विविध सदस्यांची उपस्थिती होती। सबस्क्राइब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।